दर्द चरागों से मिला किताबों से नहीं, बदन चांद से जला आफताबों से नहीं, बदन आफताबों से चांद से जला आफताबों से नहीं। एक मतला और एक शेर। यहाँ की महफिल, मतलब आप मानेंगे नहीं, मैं नीचे उतरा, पहले तो मैं सर को बोल रहा था कि आपने कहा गुफा में रख दिया, फिर मैं नीचे उतरा तो एक जो पढ़ने का मज़ा, जो महफिल, एक जो पढ़ने का मज़ा होता है गज़ल का या शेर का, तो सच बताऊं तो मैंने फिर से अपनी जो छाट कर लाया था कि मैं ये पढ़ूंगा, फिर से उसको मैंने रिव्यू किया कि इसके हिसाब से और क्या पढ़ सकता हूँ, तो बस वो निकाला है। तो अब आप सुनिएगा कि अपने ख्वाबों की पहरेदारी रखी जाए, अपने ख्वाबों की पहरेदारी रखी जाए, अब मोहब्बत का नाम बीमारी रखी जाए। सुनिए, बहुत शुक्रिया। कि अपने ख्वाबों की पहरेदारी रखी जाए, अब मोहब्बत का नाम बीमारी रखी जाए। और अच्छा, यहाँ पे अगला शेर मैं बस उसी से रिलेट कर पाऊंगा जो यहाँ बाहर से रहता हो। तो कौन कौन है जो दिल्ली के बाहर से रहता है, तो आप देखिएगा अगर आपने भी वो फील किया है कि ये शेर कमरे से निकल कर आता है मेरे। तो अपने ख्वाबों की पहरेदारी रखी जाए, कि मोहब्बत का नाम बीमारी रखी जाए, और बहुत सारी यादें साथ लेकर चल रहा हूँ, बहुत सारी यादें साथ लेकर चल रहा हूँ, सोचता हूँ कमरे में अब अलमारी रखी जाए, सोचता हूँ कमरे में अब अलमारी रखी जाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, जैसा भाई ने बोला कि बाहर से आया था तो रहना, मतलब किसी को जानता नहीं था, तो मैं भी राजस्थान से हूँ, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, तो मैं भी बाहर से आया, जानता तो ज़्यादा किसी को नहीं हूँ, बस ओपन माइक्स के थ्रू कुछ लोगों को जाना हूँ, और उसी पे सबसे ज़्यादा मुझे खलता है। तो मुझे लगता है कि मेरा भी अगर यहाँ घर होता तो कितना अच्छा होता। तो वहाँ से ये मतला उठ कर आता है, एक मतला देखिएगा कि ढूंढ रहा हूँ मैं कुछ लोग अपने ही अंदर होते हैं, ढूंढ रहा हूँ मैं कुछ लोग अपने ही अंदर होते हैं, शहर में कहाँ हर किसी के नसीब में घर होते हैं, शहर में कहाँ हर किसी के नसीब में घर होते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक मतला और उसके दो शेर हैं, ये बहुत सिंपल सा है, लेकिन एक सोचिएगा इस पर कभी कि इसका जो पहला शेर है उस पर कभी सोचिएगा कि कभी आपने भी माँ का देखा हो कि कैसा सपना होता है, तो उसमें देखेगी कि आप खुद जानिए ख्वाब देखना कैसा होता है, आप खुद जानिए ख्वाब देखना कैसा होता है, अर्थी पर लेटे हो और बचपन देखना जैसा होता है, अर्थी पर लेटे हो और बचपन देखना जैसा होता है, और भाई दोस्त दुश्मन सबके सपने तो पता हैं, भाई दोस्त दुश्मन सबके सपने तो पता हैं, लेकिन आज तक ये ना जान सके माँ का सपना कैसा होता है, आज तक ये ना जान सके कि माँ का सपना कैसा होता है। बहुत शुक्रिया आपका। कि आज तक ये ना जान सके कि माँ का सपना कैसा होता है। और एक जो इसका आखिरी शेर है कि वो देखिएगा कि वो मुझको पत्थर कहता है ना जाने किस तरकीब से, वो मुझको पत्थर कहता है ना जाने किस तरकीब से, दिल दिमाग सांसें सब तो है, अब कौन सा पत्थर ऐसा होता है, अब कौन सा पत्थर ऐसा होता है। अच्छा, ये अभी कोई बोल रहा था कि हलक तक शब्द आ जाते हैं, उसके बाद अंदर नहीं जाते वापस, सॉरी बाहर नहीं आते। तो उसी पे ये एक मतला और एक शेर देखिएगा कि हर वक्त तुझको बुलाया करते हैं, हर वक्त तुझको बुलाया करते हैं, कुछ ऐसे हम वक्त जाया करते हैं, हर वक्त तुझको बुलाया करते हैं, कुछ ऐसे हम वक्त जाया करते हैं, और जब दर्द मिलते हैं सहन से ज़्यादा, जब दर्द मिलते हैं सहन से ज़्यादा, तो अक्सर चुप रहकर हम चिल्लाया करते हैं, तो अक्सर चुप रहकर हम चिल्लाया करते हैं। और अच्छा, लिखने वाले या कलाकार लोग रात में बहुत जगमग होते हैं, मतलब रात उनकी सुबह होती है रात से, तो उसी पे कि अगर रात में कभी इतना ध्यान दिया हो चीज़ों पे, तो ये मतला और ये शेर उस पर आएगा। कि ये मतलब मतला तो दिन के ऊपर ही है कि मैं अकेला रहता हूँ, खुद बनाता हूँ, तो वहीं से उठते हैं मेरे शेर लगभग सभी,
तो एक ये था कि यहाँ रोटी नहीं भूख रखी है, यहाँ रोटी नहीं भूख रखी है, मेरे आंगन में टूटी हुई धूप रखी है। कि यहाँ रोटी नहीं भूख रखी है, मेरे आंगन में टूटी हुई धूप रखी है, और जिस्म के छोटे छोटे तहखानों में, जिस्म के छोटे छोटे तहखानों में उसकी यादों की संदूक रखी है, उसकी यादों की संदूक रखी है। एक प्यार पे ही थोड़ा सा प्यार भी हो जाए, बहुत देर से जिंदगी जी ली तो अब प्यार पे देखिएगा कि ये इसका मतलब ही जिंदगी पे तो आ ही जाता है, उसके बाद फिर प्यार पे आऊंगा। कि मेरी कुछ गलतियां मुझको शर्मिंदा रखती हैं, मेरी कुछ गलतियां मुझको शर्मिंदा रखती हैं, यही कुछ बातें हैं जो मुझे जिंदा रखती हैं, यही कुछ बातें हैं जो मुझे जिंदा रखती हैं। और अपने दिल को एक पिंजरे में कैद रखता हूँ, अपने दिल को एक पिंजरे में कैद रखता हूँ, सुना है उसकी यादें भी परिंदा रखती है, सुना है उसकी यादें भी परिंदा रखती है। बहुत शुक्रिया मैम। एक गज़ल पेश करता हूँ, अगर उसके बाद फिर इजाज़त हो तो दूसरी भी सुना दूंगा। कि एक सुनिएगा कि ढूंढ रहा हूँ कुछ तो मेरे पास भी होगा दिखाने के लिए, ढूंढ रहा हूँ कुछ तो मेरे पास भी होगा दिखाने के लिए, वैसे तेरा बहुत शुक्रिया मेरी औकात बताने के लिए, वैसे तेरा बहुत शुक्रिया मेरी औकात बताने के लिए, अब उसको छोड़कर कहीं दूर चला जाता हूँ, अब उसको छोड़कर कहीं दूर चला आया हूँ, उसकी यादें खड़ी हैं दिल के बाहर मुझे सताने के लिए, उसकी यादें खड़ी हैं दिल के बाहर मुझे सताने के लिए। और इस शेर पे खास तवज्जो चाहूँगा आपकी कि फूल काटा पत्थर लोहा, बोलते हैं कि ये शेर का है कि बोलते हैं जिस्म को जैसा बनाओ वैसे बनता है, फूल बनाओ फूल बनता है, लोहा बनाओ लोहा बनता है। तो फूल काटा पत्थर लोहा सब बना लिया खुद को, फूल काटा पत्थर लोहा सब बना लिया खुद को, अब वो खुदा भी चाहता है मुस्सा एक और बनाने के लिए, अब वो खुदा भी चाहता है मुस्सा एक और बनाने के लिए। और इस शेर में थोड़ा सा संजीदगी है कि अपने बिस्तर में एक दरवाजा खोजा है मैंने, अपने बिस्तर में एक दरवाजा खोजा है मैंने, उसकी यादों के पास जाने के लिए, उसकी यादों से दूर आने के लिए, उसकी यादों के पास जाने के लिए, उसकी यादों से दूर आने के लिए। और एक आखिरी इसका मतले से ही ख़त्म करता है इसको कि एक और तरीका सीखा है मैंने खुद को सबसे बचाने के लिए, एक और तरीका सीखा है मैंने खुद को सबसे बचाने के लिए, लफ्ज़ों की पट्टी लगा लो दिल के जख्म छुपाने के लिए।